नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी एक बार फिर से आ चुकी है, रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ चुका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये वैकेंसी कहाँ से है। तो ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। ये जो वैकेंसी है जबलपुर से है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और तो बात कर लेते हैं वे पोस्ट की। तो ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्ट जूनियर प्रोजेक्ट फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट और असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट विल बी फेयरली टेम्परेरी बेस एंड को टर्मिनस। ये जो वैकेंसी है टेम्परेरी बेसिक पे है और विथ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस पे निकला हुआ है जो ये पोस्ट है। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड और फॉर्मा 20/1/2022, 20 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड जो है ईमेल के द्वारा अप्लाई करना होगा, अपना जो रिज्यूम है उसको ईमेल के द्वारा सेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट कौन कौन से शामिल है देख लेते हैं। नीचे सबसे पहले जो पोस्ट है वो है कंसल्ट की पोस्ट है, और इसमें नेम ऑफ प्रोजेक्ट जो लिखा है किस प्रोजेक्ट के जरिए है, तो ये लिखा है इम्प्लीमेंटेबल फॉरेस्ट्री रिसर्च फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च पार्क AMPL गोंदिया। जो है गोंदिया से है ये, गोंदिया में ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो इनके द्वारा है, PI डॉक्टर अविनाश जैन के द्वारा। जो इसका ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 2 साल का है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है तो MSc बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट टॉक्सोनॉमी। MSc फर्स्ट होना चाहिए बॉटनी सब्जेक्ट से, और एक्सपीरियंस भी मांगा है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ NGO स्पर्मिक प्लांट। NGO स्पर्मिक प्लांट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है विदाउट HRA के। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर प्रोजेक्ट का है, और ये आप इधर देख सकते हैं, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे ये दे दूँगा PDF का लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो क्वालिफिकेशन है इसमें, फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट साइंस बॉटनी इकोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी। ये जो इतने जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपका MSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास, और इसकी जो सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, इसमें फर्स्ट क्लास BSc मांगा है और एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से होना चाहिए। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो आप अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी जो है 19,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है, और इसमें जो ड्यूरेशन है टू दिसंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। इसका क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास BSc है एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस, या सॉरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट या बायोलॉजिकल साइंस से होना चाहिए, या फॉरेस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से हो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 19,000 रुपये है। नेक्स्ट जो पोस्ट है तो ये है फील्ड असिस्टेंट का, एक ही पोस्ट इसमें है, और ये 15 मंथ के लिए प्रोजेक्ट है SNCL। ये क्वालिफिकेशन जो है 12th में, चाहे 12th बेस से है और साइंस सब्जेक्ट से। इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाते आना चाहिए। इसकी सैलरी जो है 17,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो फील्ड असिस्टेंट ये भी है, और ये 2023 तक है, टिल दिसंबर 2023 तक। और इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, 12th है, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, कंप्यूटर चलाते आना चाहिए। सैलरी इसका 17,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट जो है कंसल्ट का है, जूनियर रिसर्च का है, फेलो भी था INET और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का है। क्वालिफिकेशन देख, 1 साल का प्रोजेक्ट है ये। तीनों जितने भी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट जो दी हैं वो एक एक पोस्ट ही है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन जो बोला है
तो वो MSc इन प्लांट साइंस और या फिर वाइल्ड लाइफ साइंस या किसी भी सब्जेक्ट से हो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च का जो है इसमें भी MSc प्लांट साइंस या वाइल्ड लाइफ, और जो इसमें जो सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन जो है MSc मांगा सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी हो प्लांट साइंस या वाइल्ड लाइफ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है कंसल्ट का होगा 40,000 रुपये, जूनियर रिसर्च का 31,000 रुपये और आपके जूनियर प्रोजेक्ट का 20,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का, दो पोस्ट हैं इसमें शामिल और ये 2025 तक इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। और क्वालिफिकेशन जो है MSc पास आउट होना चाहिए बॉटनी या फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है इसका 20,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर प्रोजेक्ट का है, एक ही पोस्ट शामिल है इसमें, 2025 तक के लिए प्रोजेक्ट है। क्वालिफिकेशन इसका जो है तो फर्स्ट क्लास MSc, सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और बॉटनी प्लांट साइंस या कोई भी सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी जो है इसका 20,000 रुपये पर मंथ है। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सॉरी नेक्स्ट पोस्ट जो है तो वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का, और क्वालिफिकेशन इसका MSc मांगा है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए और एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री बॉटनी प्लांट साइंस या किसी भी सब्जेक्ट से MSc कंप्लीट होना चाहिए और सैलरी जो है 20,000 रुपये। और इसमें भी वही है जूनियर प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट पोस्ट है, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही मांगा है इसका भी, और सैलरी भी 20,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट जो पोस्ट है तो ये भी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का है, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम ही है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास BSc इन साइंस विथ फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 19,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट ये प्रोजेक्ट जूनियर फील्ड नेक्स्ट प्रोजेक्ट सॉरी पोस्ट जो है तो फील्ड असिस्टेंट का है, फील्ड असिस्टेंट में 2024 तक ये प्रोजेक्ट है और क्वालिफिकेशन इसका 12th बेस से है, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड फॉर्म यो जॉब कंप्यूटर कंप्यूटर चलाते आना चाहिए। और इसका सैलरी जो है 17,000 रुपये पर मंथ है विदाउट HRA के। अब बात कर लेते हैं ये इसका अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने के मोड मैं बता ही चुका हूँ कि ईमेल के द्वारा अप्लाई करना है और इसमें आप नीचे ये जैसे सभी प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ईमेल लिखा है, मैं नीचे आपको दे दूंगा ये PDF, तो आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा ये लिंक जो दिया है, ये लिंक जो दिया है तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट के नीचे ही लिंक दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है लिंक, ऐसे सभी प्रोजेक्ट में लिंक दिए सॉरी ईमेल दिया हुआ, वहाँ आपको अप्लाई करना है। और ये सिलेक्शन कैसे होगा तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट विल बी मेड सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड, तो अभी अपॉइंटमेंट जब होगा तो बता देंगे कि अपॉइंटमेंट कब होगा, इंटरव्यू बेस पे होगा ये, तो जैसे ही अपलोड होगा साइट पे वेबसाइट पे तो हम आपको बता देंगे वीडियो के जरिए। ना तब तक के लिए धन्यवाद।